मुझे चारि प्रकार खटा बनेबी आपण ए खटा को बहुत सहजरे आ कम समय रे प्रस्तुत करी परिबे आपण ए खटा को बिना प्याज रसुण दिन रे भी प्रस्तुत करी खाई परिबे जदि आपण को ए खटार रेसीपी भल लगे तला लाइक करिबे आपण सांग सहित सेयार करिबे जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेरे सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबेनी आउ डेरी नक चलतु प्रस्तुत करने आज रेसीपी नमस्कार ट्विंकल किचन को आपण मानक स्वागत। प्रथम मु बेसर मसला दिए आंबूल खटा बनेबी। आंबूल खटापी मेटी सात रु आठटा आंबूल को नख उषुम पानी रे अध घंटे बतुरे की रखी यहाँ आंबूल टिके नरम होने चाहिए आंबूल को गरम पानी रे मात्र पांच मिनिट पर बतुरे की रखिपारे। खटा बनवाई मेटी गोटे कड़े किसी तेल दे गरम होगा रखी थी तेल भल भाव गरम होगापर मुझे गोटे छोट चमच पंच फुटन दस रु बारटा भृसंग पत्र आईटा कंचा लंका को मझीर काटिकी पंच फुटन आ भृसंग पत्र भल भाव भाजी हो गला मुझे सोरस मसला दूची मुझे तीन छोट चमच सोरस गोटे छोट चमच जीरा आईटा शुखिला लंका को बाटिकी नहीं आपन को जी राग दरकार से अनुसार शुखिला लंका कि कंचा लंका बाटिकी नहीं पारे। एबे आम सबको भल भाव मिक्स कर सोरस मसला को तीन रु चार मिनिट पर्यंत कषिबा जमी सोरस मसलार कंचा बास्ना पड़े मसला को अधिक समय कषिबे नहीं ये तीन रु चार मिनिट हो गलानी मसला ये भल भाव कषी गलानी एवं आम एर किसी गुंड मसला पकईवा गुंड मसलार मुझे पकई गोटे छोट चमच काश्मीरी लंका गुंड ये ऑप्शनल अच्छी काश्मीरी लंका गुंड खटा को गोटे भल कलर दब ये बेसी राग न थाए एवं आम एर पकईवा अदा छोट चमच हलदी गुंड स्वाद अनुसार लुण एबे आम सबको भल भाव मिक्स कर मसला को हाफ रु गोटे मिनिट पर्यंत फ्राई करिबा। हाफ रु गोटे मिनिट पर आम ए दही दबा मुझे गोटे कप दही को भल भाव फेंटिकी नहीं लो फ्लेम रे कंटिन्यूस गोले गोले मसला को दुई रु तीन मिनिट पर्यंत कषिबा जमती दही बिल्कुल भी फाटिबनी। ये दुई रु तीन मिनिट हो गलानी मसला ये भल भाव कषी जाइए आम ए गुड़ दबा आपन को खटा जी मीठा दरकार से अनुसार गुड़ कि चीनी पकई पारे। एवं आम आपको तीन रु चार मिनिट पर्यंत कुक करवा जमी गुड़ भल भाव मेल्ट कर देखिपे गुड़ ये भल भाव मेल्ट कर जो आंबूल को बतुरी रखी थे पानी छाणिकीद एबे आम सबको भल भाव मिक्स कर मसला सहित तो आंबूल को तीन रु चार मिनिट पर्यंत कषिबा। ये तीन रु चार मिनिट हो गलानी पानी दबा आपन को खटार जमी कनसीस्टेन्सी दरकार से अनुसार पानी देवे। एबे आम सबको भल भाव मिक्स कर खटा को हाई फ्लेम रे दुई रु तीन मिनिट पर्यंत फुटवाप छाड़ दबा। खटा ये भल भाव फुटिगला खटा को आउ थे भल भाव मिक्स करद आपको कभर कर लो फ्लेम रे पाँच रु छ मिनिट पर्यंत कुक करिबा। पाँच रु छ मिनिट पर मुझे घोड़नी काढ़ी देती एवं आम सबको आउ थे भल भाव मिक्स करद आउ गैस बंद करद बेसर मसला दिया आंबूल खटा ये रेडी। एवं मुझे भेंडी खटा बनेबी। भेंडी खटा पाई मैटी बार रु पंद्रटा भेंडी नहीं भेंडी को गोटा धोला मुझे भल भाव पोछिकी काटिकी नहींद्वारा भेंडी नालुआ हेनी भेंडीर ऊपर मुंड को काटला मो भेंडी रे मझी रे कट मार्क लगे मुझे भेंडी को दिखंड कर काटेनी मुझे आपन को गोटे भेंडी काटिकी देखे दूसरी भेंडीर ऊपर मुंड को काटला मो भेंडी एमती भाव कट मार्क लगे मुझे भेंडी को दिखंड कर काटेनी। एबे आम ए भेंडी को भाजवा से मुझे गोटे प्यान में अल्प किसी तेल दे गरम होगा रखी तेल भल भाव गरम हो गलापर आम ए सब भेंडी को देद भेंडी को आम मीडियम फ्लेम रे चार रु पांच मिनिट पर्यंत भाजवा जमती भेंडी टिके खरिया सॉफ्ट ही भाजी भेंडी को एमती भाजिकी खटा बनवा द्वारा भेंडी आपण नाड़ुआ हेनी आ खटार टेस्ट बहुत भल आस भेंडी ये भल भाव भाजी हो गलानी एवं आम इंडक्शन बंद करद भेंडी को गोटे प्लेट रे काढ़ी दबा। खटा बनवाई मुझे गोटे कड़े किसी तेल दे गरम होगा रखी थी तेल भल भाव गरम होगापर मुझे गोटे शुखिला लंका आ गोटे छोट चमच पंच फुटन दूची
पंचा फुटन और शुक्ला लंका भल भाव भाजी गला परे मैं एथिरे 10 रु 12 टा भृसंग पत्र देछि। एबे आमे गैस रो फ्लेम को लो करि दबा और एथिरे अधा छोटो चम्मच हळदी गुंड और लंका गुंड पकेबा। आपन को जतिके राग दरकार से अनुसार लंका गुंड पकेबे। मुँ एठी दी छोट चामच चाउल गुंड को गोटे कप पानी रे भल भाव मिक्स करके नहीं ची। गुंड मसला को 20-30 सेकेंड पर्यंत फ्राए कलापर आम एथिरे चाउल मिक्सर को देदबा। आपण चाहिले दी छोट चामच चाउल को बाटिके नहीं पारे। एबे आम आपको कंटिन्यूस गोले गोले लो फ्लेम रे 3-4 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। एटी 3-4 मिनिट हो गला देखिपे ये बहलिया जा चाउल मिक्सर ये भल भाव कुक होमें एथेर तेतुली रस दबा। आपण को जी खटा दरकार से अनुसार तेतुली रस देते। एवं आम एणी दबा आपण को खटार कनसीस्टेन्सी जमती दरकार आपड़ से अनुसार पा देते। एबे आम एथिरे स्वाद अनुसार लुण आ गुड़ पकेबा। आपन को खट्टा जेतिके मीठा दरकार से अनुसार गुड़ कि चीनी पकई परिबे। एबे आम सब को भल भाव मिक्स करी खट्टा को हाई फ्लेम रे 2-3 मिनिट पर्यंत फुटिबा पई छाड़ी दबा। खट्टा एटे भल भाव फुटी गलानी। एबे आम एथिरे भाजिक रखिथिबा भेंडी को देई दबा आ सब को भल भाव मिक्स करी। एबे आम को कभर करी लो फ्लेम रे 6-7 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमती भेंडी भल भाव सिझी जिवो। 6-7 मिनिट पर मैं घोड़नी काढ़ी देछि। एटे भेंडी भल भाव सिझी जाइछि। एबे आम खट्टा को आउ थरे भल भाव मिक्स करी दबा आ गैस बंद करी दबा। भेंडी खट्टा ये रेडी। मुझे टमाटो कंदमूल खट्टा बनेबी। कंदमूल टमाटो खट्टापी मैं 7-8 मीडियम साइज टमाटो को एमती पतला पतला लंबा लंबा करी काटिकी नहींची। आपण टमाटो को भी सेप्र काटिकी नहीं पारे। ता सहित मुझे दीटा मीडियम साइज कंदमूल ऊपर चोपा को छड़े मुझे कंदमूल को छोट छोट खंड करी काटिकी नहींची। टमाटो आ कंदमूल क्वांटिटी आपण आपण टेस्ट अनुसार कम बेसी करी पारे। खटापी मुझे कड़ई में किसी तेल दे गरम हो रखी थी। तेल भल भाव गरम होगापर मुझे गोटे छोट चमच पंचा फुटण दे। पंचा फुटण भल भाव भाजी गलापर मुझे 8-10 भृसंग पत्र दुईटा कंचा लंका को भांगी। कंचा लंका और भृसंग पत्र भल भाव भाजी गलापर मुझे काटिकी रखि कंदमूल आउ टमाटो को देदे। एबे आमे सब को भल भाव मिक्स करी कंदमूल आउ टमाटो को 2-3 मिनिट पर्यंत भाजिबा। 2-3 मिनिट पर मुझे गोटे इंच अदा को छेचिकी दौची। आपण चाहिले अदा को जेते बले भृसंग पत्र आउ कंचा लंका पकई थिले सेते बले पकई परिबे। एबे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लुण पकईबा आउ अदा छोटो चम्मच हळदी गुंड पकईबा। हळदी गुंड एठी ऑप्शनल अछि। मुझे किसी कला चना दूँ। कला चनार क्वांटिटी आपण आपण हिसाब से कम बेसी करें। मुझे कला चना को सीझे कि नहीं। कला चना ये ऑप्शनल अच्छी। सब कुछ भल भाव मिक्स कर आम को गोटे 2 मिनिट पर्यंत भाजिबा। गोटे 3 मिनिट पर आम को कभर करी लो फ्लेम रे 5-6 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जमती कंदमूल आउ टमाटो भल भाव सिझी जिवो। 5-6 मिनिट पर मुझे घोड़नी काढ़ी देछि। देखिपे टमाटो ये भल भाव सिझी जाइछि। कंदमूल भी ये भल भाव सिझी जाइछि। एबे मेथरे गुड़ दबा। आपण को जेतिकी मीठा दरकार से अनुसार गुड़ देते। आपण गुड़ देला बले टिके टेस्ट करिकी देते कारण कंदमूल मीठा थाए। गुड़ जगार आपण चीनी पकई पारिबे। एबे आम सब को भल भाव मिक्स करी 2-3 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमती गुड़ खटारे भल भाव मिक्स हो। गुड़ ये खटारे भल भाव मिक्स हो गलानी। एबे आम एथिरे पानी दबा। आपण को खटार जेमती कंसिस्टेंसी दरकार से अनुसार पानी देबे। एबे मु एथिरे किछि नड़िया कोरा पकोउछि। आपण आपण को टेस्ट अनुसार नड़िया कोरार क्वांटिटी कम बेसी करि परिबे। एबे आमे सब को भल भाव मिक्स करी मीडियम फ्लेम रे खट्टा को 3-4 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। आपण चाहिले आकु कभर करी 3-4 मिनिट पर्यंत कुक करि परिबे। एटी 3-4 मिनिट हो गलानी। खट्टा को आउ थरे भल भाव मिक्स करि दबा आउ इंडक्शन बंद करि दबा। टमाटो कंदमूल खट्टा एटी रेडी हो जाइछि। मुझे ओ खट्टा बनेबी।
ओ खटा पाई मुझे गोटे मीडियम साइज ओ को पतला पतला आ लंबा लंबा कर प्रथम आम ओ को सीझेबा ओ को सीझेबा मुझे प्रेसर कुकर में गोटे ग्लास पानी देखिए काटिक रखी ओ को देद एबे स्वाद अनुसार लुण पकेबा आउ अधा छोट चमच हलदी गुंड पकेबा सबको भल भाव मिक्स कर प्रेसर कुकर लीड बंद करदेबा मीडियम फ्लेम रे गोटे सीटी आसवा पर्यंत आम ओ को सीझेबा प्रेसर कुकर गोटे सीटी आसला गैस बंद कर देली प्रेसर कुकर पूरा भेपर गला मुझे लीड खोली ओ एटी 80-90% पर्यंत सीझी जाइछि एबे आमे ए ओ को पानी रु छानी कि गोटे प्लेट रे काढ़ी दबा खट्टा बनैया पई मु एठी गोटे कढ़ई रे किछि तेल थई गरम होबाक रखिथिलि तेल भल हापे गरम हेला परे मु एथिरे गोटे सुखिला लंका आ गोटे छोटो चम्मच पंच फुटण पकैछि सुखिला लंका पंच फुटण भल हापे भाजी गला परे मु एथिरे 8 रु 10 टा भृसंग पत्र आ 2 टा कंचा लंका को काटिक देछि आपन को जति कि राग दरकार से अनुसार कंचा लंका नेबे भृसंग पत्र आ कंचा लंका भल हापे भाजी गला परे आमे एथिरे सिजे कि रखिथिबा ओ को देइ दबा आ ओ को कंटीन्यूअस गोले गोले मीडियम फ्लेम रे 4 रु 5 मिनिट पर्यंत भाजीबा 4-5 मिनिट पर मुझे स्वाद अनुसार लुण पकाउची आपण देखिकी लुण पकेबे कारण ओ सिझेला बेले सेथिरे लुण पकाइथिले एबे मु एथिरे लंका गुंड पकाउची आपण को जेतिके राग दरकार से अनुसार लंका गुंड पकाइबे मु एथिरे हळदी गुंड पकाउनी कारण ओ सिझेला बेले मु सेथिरे हळदी गुंड पकाइथिली एबे हम सबकु भल भाबे मिक्स करी ओ को आउ हाफ रु गोटे मिनिट पर्यंत भाजीबा हाफ रु गोटे मिनिट पर मुझे गुड़ दूची आपण को खटा जी मीठा दरकार से अनुसार गुड़ कि चीनी पकईपरें एवं आम सबको भल भाव मिक्स कर 3-4 मिनिट पर्यंत कुक करवा जमी गुड़ भल भाव मेल्ट कर गुड़ ये भल भाव मेल्ट कर पानी दबा आपण को खटार जमी कनसीस्टेन्सी दरकार से अनुसार पानी देवे एबे आम सबको भल भाव मिक्स कर खटा को हाई फ्लेम रे 2-3 मिनिट पर्यंत फुटापी छाड़दबा खटा ये भल भाव फुटिगला नड़िया कोरा पकेबा आपण आपण टेस्ट अनुसार नड़िया कोरा पकेबे एबे आम सबको भल भाव मिक्स कर खटा को लो फ्लेम रे 4-5 मिनिट पर्यंत कुक करिबा आपण चाहिले आकु कभर कर 4-5 मिनिट पर्यंत कुक करिपरिबे ये 4-5 मिनिट हो गला खटा को आउ थे भल भाव मिक्स करदेबा आ गैस बंद करदेबा मुझे एवं भजा जीरा लंका गुंड पकाउची आपण आपण टेस्ट अनुसार एथिरे भजा जीरा लंका गुंड पकेबे एवं आम सबको आउ थे भल भाव मिक्स करदेबा ओ खटा ये रेडी जाइछि जदि आपण को बिना पियाज रसुण रे एही चारि प्रकार खटार रेसीपी भल लगी लाइक करेंगे आपण को सांग मान सहित सेयार करेंगे जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करने को जमार भूल पाखे बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे यहाँ मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथम देखिपारे थैंक यू फॉर वाचिंग।